जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट विकी बाबू रावल डैम की अपडेट देने जा रहा हूँ। आज ईद का सेकंड डे, थोड़ा सा टाइम निकला तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बना ली जाए। आज जुमे रात का दिन है, देखते हैं शिकारी बैठे हुए हैं कि नहीं। जिन भाइयों को ज़्यादत वाला पॉइंट या दरबार वाला पॉइंट नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये मैं अभी हाईवे के ऊपर हूँ, हाईवे एक्सप्रेस फैज़ाबाद की तरफ जा रहा हूँ। तो जब वहाँ पे पहुँचूँगा, क्या नाम है आपका, कनिगाला के रोड पे, क्या नाम है इसका, रावल डैम चौक, वहाँ से मैं अपनी वीडियो बनाने का स्टार्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन सा रास्ता आप इख्तियार कर सकते हो ज़्यारत वाले पॉइंट की तरफ या बनीगाला जाने के लिए, कौन सा रास्ता इख्तियार हो सकता है। जो तो आते हैं इस्लामाबाद से उन्हें तो पता है सारा, जो दूर से आते हैं, जो पिंडी के रहायशी नहीं हैं या इस्लामाबाद के रहायशी नहीं हैं, ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ मैं। और रावल डैम की अपडेट भी देता हूँ, क्योंकि आगे जुम्मा हफ्ता इतवार तीन दिन है, देखते हैं शिकार हो रहा है वहाँ के नहीं। लास्ट जब संडे हफ्ते वाले दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उस वक्त तो कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं थी बनीगाला वाली साइड की, ना पुश्ते वाली साइड की। आज देखते हैं क्या कुछ सूरत हाल निकलती है। आज 11 तारीख 11 अप्रैल 2024 जुमेरात का दिन, ईद का सेकंड डे है। मैं फैज़ाबाद की तरफ गमजन हूँ, बनीगाला वाली साइड और ज्यारत वाले पॉइंट का भी बताऊँगा कौन सा रास्ता जाता है और किस तरह आप वहाँ तक पहुँच सकते हो और कौन कितने कितने पॉइंट है वहाँ पर। तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा रावल चौक, फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। अभी क्योंकि रश भी है और ख़तरा भी बहुत ज़्यादा आज के दिन, इसलिए मैं वीडियो स्किप करता हूँ, बाद में बनाऊँगा जब रावल रोड क्रॉस कर चुकाऊँगा, रावल रोड पहुँच रावल चौक पहुँच चुकूँगा। जी व्यूअर्स, ये देखिए जी स्पिलवे रावल डैम, बैक साइड से मैं गुजर रहा था चकशजाद की तरफ। ये हैं जी स्पिलवे रावल डैम का, सोचा आपके लिए एक वीडियो बना ली जाए छोटी सी। ये स्पिल में जहाँ से ओवरफ्लो होता है रावल डैम का, यहाँ पे भी बाज़ दफ़ा शिकार होता है जब पानी खुलता है। तो अभी मैं इस तरफ जा रहा हूँ, सीधा इस तरफ जाएंगे तो चकशजार आएगा, NRL और बनीगाला। जब बनीगाला चौक पहुँचता हूँ फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। फिल वक्त अभी मैं स्किप करता हूँ अपनी वीडियो को, रश ज़्यादा है और क्योंकि फैमिली भी गुजर रही हैं, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ, बाज़ किसी को एतराज़ ना आ जाए। इस वजह से कोशिश ये करते हैं कि आगे जब पॉइंट पे पहुँच जाए आपके लिए वीडियो बनाई जाए। जब मैं उस बनीगाला रोड पे चढ़ूँगा फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको जो ज़्यारत वाला पॉइंट है वो आपको पता चल जाए आप किस तरह उस तक वहाँ तक पहुँच सकते हो। जी गाइस, ये तकरीबन मैं रावल चौक पहुँचने वाला हूँ, सोचा आपके लिए यहाँ से वीडियो बना ली जाए। फैज़ाबाद में क्रॉस करने के बाद रावल चौक आता है, रावल डैम चौक भी कहते हैं, रावल चौक भी कहते हैं बाज़ दफ़ा। ये वहाँ से रावल चौक जब आएगा वहाँ से हमने नीचे की तरफ जाना है, क्या नाम है, लतरा रोड की तरफ। अगर किसी को रास्ता नहीं पता तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, दिल्ली से आते हो तो आपने लतरा रोड की तरफ जाना है। हो गया पता नहीं अब मेरा मोबाइल स्क्रीन कर रहा है कि नहीं, अब स्कैन किया है, अच्छे वीडियो आप करना शुरू किया। आगे चौकी है, सूरत हाल देखते हैं, अगर चौकी हुई तो मैं मोबाइल नीचे कर लूँगा, नहीं तो मैं आपके लिए वीडियो पूरी बनाता हूँ, आगे आपको पता चले कि रास्ता कौन सा है, उससे बताता जाऊँ। आज तारीख है 11 अप्रैल 2024, बनीगाला वाली साइड की मैं अपडेट देने जा रहा हूँ आपको। लास्ट संडे बहुत अच्छी गेम हुई है बनीगाला वाली साइड पे, उसका बिल्कुल नील था, टोटल दो पार्टियाँ बैठी हुई थी, मैंने अपडेट दी आपको। तो अभी जा रहा हूँ मैं बनीगाला वाली साइड पे, ये है नीचे की तरफ रास्ता जाता है, आपको मैं बता रहा हूँ बोर्ड के ऊपर मैं फोकस करता हूँ, अगर बोर्ड पड़ा जाए तो आप। ये आ गया जी लतरा रोड, इधर से हमने नीचे जाना है, नीचे से ये है रावल चौक, असल में मेन रावल चौक है, इधर से हम नीचे जाएंगे,
नीचे जाएंगे इधर से तो भनीगाला वाली साइड पे जाएंगे हम। ठीक हो गया, ये फ्लाई ओवर है, क्रॉस कर रहे हैं ऐसे नीचे से भी, ये रावल चौक तकरीबन क्रॉस होने वाला हमारा। अब हम पहुंच गए चक शहजाद वाले रोड पे। अगर आपको नहीं पता तो ये चक शहजाद वाला रोड है, इस पे हम जा रहे हैं, भनीगाला वाली साइड है, NRL भी इस तरफ आएगा। हो गया एलर्जी सेंटर, तो जो मेरे व्यूअर्स जिन्हें रास्ता नहीं पता उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आगे जब मेन भनीगाला पहुँचूँगा फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अभी मैं स्किप करता हूँ वीडियो को क्योंकि रश है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के साथ हादसा हो जाए या उसकी वजह से मैं किसी मुश्किल में पड़ा करूँ, तो इस वजह से वीडियो स्किप करता हूँ। जी भाईजान, ये मैं पहुँचा हूँ भनीगाला, मेन अंदर आ गया हूँ। अभी आपको पहले बच्चा पार्क लेके जाएंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ ऐसा करता हूँ, पहले मैं चलता हूँ जार वाले पॉइंट पे, क्योंकि बच्चा पार्क रश होगी, टाइम वेस्ट है और सूरज बिल्कुल डूबने वाला है, तो क्यों ना पहले आपको ज़ियारत वाला पॉइंट दिखा दिया जाए, उसके बाद मैं बच्चा पार्क में आऊँगा, वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ सूरत हाल है, शिकारी बैठे हुए हैं नहीं बैठे हुए, तो क्या सिचुएशन चल रही है रावल डैम की। बच्चा ये ज़ियारत वाला, लास्ट टाइम मैं पहले भी बता चुका, अपडेट दे चुका हूँ आपको कि अच्छा शिकार हुआ है वहाँ पर, अभी का कोई पता नहीं आज, क्योंकि मौसम भी चेंज है, रात को बारिश हो गई थी, ठंडक हो गई है काफ़ी, देखते हैं अभी क्या सूरत हाल है। अभी आपको लेके जाते हैं ज़ियारत वाले पॉइंट पे, ये देख रहे हैं, ये हम जा रहे हैं भनीगाला, बच्चा पार्क को क्रॉस करूँगा, उसके बाद वही रोड आगे सीधा जाएंगे तो हम ज़ियारत वाले पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो अपडेट्स भी मिलती रहे रावल डैम के हवाले से या दूसरे जहाँ पे, जब शिकार स्टार्ट होगा तरबेला, तो हम दिन मैंने माइंड बनाया है सीज़न तरबेला खेल के आएंगे, उसके पॉइंट भी आपको दिखाएंगे कौन कौन से हैं तरबेला के, और कौन सा हरिपुर से रास्ता जाता है वो भी आपको बताएंगे, और ऊपर से हसन अब्दाल वाली साइड से जो रास्ता जाता है वो भी आपको बताएंगे कि दोनों रास्ते आप कैसे इख्तियार कर सकते हो। ये आगे हम बच्चा पार्क के करीब पहुंच आए हैं, तो रश बहुत ज़्यादा होगी, मैंने पहले बताया था इधर रश होगी, तो इसलिए आज देखें गाड़ियों की रश है, आगे भी रश होगी, इसलिए मैं आगे जाता हूँ। फिलहाल आपको मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ ज़ियारत वाले पॉइंट पे, इधर अभी रश है, रश तो उधर भी होनी है लेकिन उधर ज़्यादा शिकारी होंगे क्योंकि उधर गाड़ी शाड़ी नहीं जाती बल्कि इधर ही रहती है। ये मैं क्रॉस कर चुका हूँ बच्चा पार्क को, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप ये ज़ियारत वाला, ये बच्चा पार्क थी, ये बच्चा पार्क है, और हम आगे जा रहे हैं ज़ियारत वाले पॉइंट पे। यही रास्ता आपने सीधा जाना है, आई थिंक ये एक स्कूल आता है, स्कूल का नाम भूल गया, गवर्नमेंट स्कूल है गैस, तो वहाँ पे जाके आपको बताता है कि कौन सा रास्ता ऊपर जाएगा। अभी एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, और एक ये भी है कि यार कोई फैमिली वाला मुझे रोके ये ना कह दे कि शायद आप मेरे लिए वीडियो हमारी वीडियो बना रहे हो, ये भी टेंशन है ना। बहरहाल कोशिश ही कर रहा हूँ कि मैं जब मुझे नज़र आए फैमिली तो मैं अपना मोबाइल नीचे की तरफ कर लूँ, लेकिन कुछ उम्मीद है कि ऐसा कोई अनहोनी वाक़या ना हो। आगे जाते हैं और आपको बताते हैं क्या सूरत हाल है, क्या नाम है इसकी ज़ियारत वाले पॉइंट की। ये आगे से हेलमेट भी मसला करना शुरू हो गया, ये देखें ये स्कूल की हदूद स्टार्ट हुई है, ये स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है जहाँ पर ये वाइट और ग्रे आपको दीवार नज़र आ जाए तो समझ लें कि स्कूल स्टार्ट हो गया हुआ है, और ये है चौकी, ये दरबार, दरबार इलाही आलिया, दरबार आलिया ये बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल के सामने से रास्ता अंदर जाता है, ये वाला रास्ता आपने लेना है और ऊपर जाना है। अभी यहाँ से मैं वीडियो स्किप करता हूँ, जहाँ तक जा हो सकता है मैं वहाँ तक बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे
पत्थर बहुत ज़्यादा हैं और मैं एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, मुश्किल है। लेकिन आप कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक बनाऊँ वीडियो आपके लिए और आपको बता सकूँ कि इधर से अगर दरबार नज़र आ जाता है या ज़्यारत नज़र आ जाती है तो वहाँ से मैं यहाँ से नज़र आना शुरू हो गई है ज़्यारत। तो शिकारी भी बैठे हुए हैं, एक पार्टी नज़र आई बल्कि बहुत सारे शिकारी बैठे हुए हैं जी। आपको बताते हैं सूरत हाल, मैं हेलमेट को पहले लगा लूँ नीचे ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना लूँ जी। ये देखें जी, ये सूरत हाल है, ये ज़्यारत है आपके सामने जहाँ से मैं ऊपर से आया हूँ, उतर के बनाता हूँ वीडियो आपके लिए फिर से। ये है रास्ता, ये रास्ता स्कूल सामने, स्कूल से सीधा ऊपर आएंगे आप, ये सामने ज़्यारत है, ये सामने ज़्यारत है, वो शिकारी बैठे हुए हैं। जूम करता हूँ मैं आपके लिए, ये सामने लाल छतरी, ये एक ये शिकारी बैठा हुआ है, एक वो आगे बैठे हुए हैं इस तरफ, किधर गई मेरी फिंगर, ये शिकारी सारे आगे पूरी पगडंडी पे शिकारी बैठे हुए हैं। एक मिनट, गाड़ी आ गई है, मैं फिर वीडियो बनाता हूँ दोबारा से जी। ये कुछ शिकारी भी आ रहे हैं, पता नहीं कौन है, जानने वाले ना हो, लेकिन एक दाना लगा हुआ है इन्हें, आई थिंक संगाड़ा लगा हुआ है इन्हें भाई जान, ये संगाड़ा लगा हुआ है इन्हें, अच्छे साइज़ का संगाड़ा था, तकरीबन 2.5-3 किलो का संगाड़ा लगा हुआ है। आगे जाते हैं, नीचे आपको पार्टियों से मिलवाते हैं और बताते हैं क्या कुछ सूरत हाल चल रही है रावल डैम की इस वक्त दरबार वाली साइड की। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आवाज़ ठीक होगी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो आपने फर्दर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और अपडेट भी मिलती रहे साथ साथ। और जो मैं चाह रहे बता रहा हूँ आपने लाजमी ट्राई करें और इस्तेमाल करें, खुदा करेगा आपको अच्छा शिकार होगा जी। अच्छा व्यूवर्स, एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, अगर तो आप गाड़ी पे आते हो इस तरफ, क्या नाम है, ज़्यारत वाली साइड पे, तो गाड़ी आपकी टोटल नीचे नहीं जाएगी। देखें गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, कुछ ये ऊपर खड़ी करनी पड़ेंगी और पैदल ख़ुद नीचे जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर है वाया। लेकिन अगर बाइक पे हो तो बाइक आराम सुकून से आप नीचे उतर सकते हो, ऐसा है कि आसानी से बाइक पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको देता जाऊं कि अगर आप बाइक पे आते हो तो इजीली है, अगर तो गाड़ी पे हो तो फिर गाड़ी ऊपर खड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, कोई पुराने मॉडल की गाड़ी है तो वो नीचे जा सकती है, जिसके अच्छे टायर हैं और शाख अच्छे हैं वो नीचे तक जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर बाइक पे हो तो बाइक पे थोड़ा मुश्किल होगा आपको, सॉरी गाड़ी पे हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बाइक पे हो तो आसानी से आप नीचे पॉइंट तक जा सकते हो जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये आपका होस्ट विकी बाबू अपने चैनल के ज़रिए आपको रावल डैम की अपडेट देते हैं। ये कोई पार्टी बैठी हुई है भाई, ये लाइव चाल आपको दिखाते हैं, खुदा करे कि अच्छी चाल हो इनके लिए। ये लाइव चाल आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के ज़रिए, ये भाई बैठे हुए हैं, इन्हें 5-6 बाइट्स मिली हैं, लेकिन बकौल इनके उस तरह की गेम नहीं अभी स्टार्ट हुई रावल डैम। लास्ट टाइम बहुत अच्छी गेम हुई है संडे वाले दिन, ये पूरी पगडंडी बहुत अच्छी चली है। जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था आपको वो भी बता देते हैं, ये कोने वाला पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छा चला है लास्ट टाइम भी, और इस राड पे चाल हो रही है जी। भाई जान कुछ बताएंगे आप व्यूवर्स को कि क्या कुछ सूरत हाल रही है? सूरत हाल साल उस तरह नहीं है, थोड़ी देर बस चली है सूरत हाल, तकरीबन नहीं तो आधा ही है। अभी शाम के टाइम चली है? शाम के वक्त नहीं चली, कोई तकरीबन 1-1.5 बजे का टाइम जी। आपको टाइम भी बताते जा रहे हैं साथ साथ मैं, अब रावल डैम की सूरत हाल ये है कि पानी काफ़ी उतरा हुआ है, लेकिन सुबह के टाइम इन्हें बाइटें नहीं मिली इतनी, मिली है 1-1.5 के करीब ये बता रहे हैं, बल्कि लाइव आपको बता रहा हूँ मैं, इनका खुद ही इंटरव्यू लिया है मैंने, इन्हें पूछा भी है और इन्होंने बताया मुझे कि अभी कोई सूरत हाल उस तरह की नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि ये राउंड पे डिपेंड कर रहा होता है, आगे फिर भी बता रहा हूँ। ये देखे बूटी ये आ रही है नज़र, अगर आपको आ रही हो ये बूटी है, ये जब तक ख़त्म नहीं होती और राउ अपनी ब्रीड से फारिग नहीं हो जाता उस वक्त तक उसकी बाइटें मिलना कम है, थोड़ी कम होंगी। का दुका जो मछली ब्रीड्स एक से फारिग होती जा रही है, अंडे देती जा रही है, वो
क्या नाम है, चारे को खाना शुरू हो गया। जब तक अंडों पे है मछली, वो पहले बताया 80% उसकी चार्जिंग चार्जिंग कह रहा हूँ सॉरी, चारा वो खाना ख़त्म कर देती है। 20% पे आ जाती है। एक तो उसे ये होता है कि मैं जल्दी से कोई ऐसी जगह ढूंढूं जहाँ पे मुझे जल्द से जल्द अंडे लेइंग करने की जगह मिल जाए और मेरे अंडे सेफ रहें, क्योंकि ये ऐसी मछली है, ये अंडे दे के चली जाती है। बकाया वो अल्लाह तवक्कल है, कुछ परिंदे खा जाते हैं अंडे, कुछ दूसरी बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, तो कुछ वैसे ही अनफर्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह पे चल कदमी बहुत ज़्यादा है। ये चाल दिखा रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है नारायण की चाल है, लेकिन देखें क्या खूबसूरत चाल निकलती है इस वाले। शायद कीड़ा लगा हुआ है, इस वजह से इस तरह की चाल हो रही है। तो फिर भी दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल निकलती है। आगे भी जाते हैं, आगे भी बहुत सारे शिकारी बैठे हुए हैं, तो आगे उनसे सूरत हाल पूछते हैं क्या कोई सूरत हाल है आगे की। तो ये देखें, कम से कम ये 30 फुट आगे गए हैं, 30 फुट भाई आगे गए हैं और कास्टिंग करके आए हैं। ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कास्टिंग, लेकिन जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको वो सामने, ये सामने एक बैठी हुई पार्टी, ये छोटे जजीरे पे, इसके साथ ही आगे कोने पे पॉइंट बनता है, उधर आप बाहर खड़े होकर भी कास्ट कर सकते हो। ये देख रहे हैं कि रेत वाला बेड था जो पहले लास्ट मैंने अपनी वीडियो में बताया कि रेत वाले पॉइंट हैं। इस तरफ थोड़ा पेतला पानी है। ये देखें भाई जा रहे हैं कास्टिंग करने, आपको इनकी लाइव वीडियो दिखाते हैं कि ये शायद बाहर से वीडियो कास्टिंग करें या अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल निकलती है। वो एक भाई जा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये भी पानी में जाके कास्टिंग करने पड़ रही है, और यहाँ पे भी पानी में जाके कास्टिंग करनी पड़ रही है। उस पे भी अभी डिपेंड नहीं है, किस्मत है चारा मछली आती है चारे पे भी कि नहीं। ये ओ भाई से कास्टिंग नहीं सही हुई, उनका क्या नाम है जो है चारा उतर गया। बहरहाल उन्होंने, क्योंकि कीड़ा लगा हुआ था, चारा उतर गया, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा ऐसे ही ठीक है हमें। वो शायद आगे दाना खेला है या नहीं, उन्होंने राड कास्ट की है तो उसका पानी था। इन्हें भी ये साथ ही एक ही पार्टी है, साथ साथ आए हैं भाई। तो आगे जाते हैं, आगे भाई पार्टियों की सूरत हाल दिखाते हैं आपको, क्या क्या कोई सूरत हाल है यहाँ पे। ये जी लाइव चाल हल्की फुल्की हुई है, लेकिन कीड़ा लगा हुआ भाई, कीड़ा की वजह से ऐसी चाल हो रही है, क्योंकि पेतला पानी भी है ना। मसला ये है कि पेतला पानी है तो आगे बच्चा भी होगा, जाहिर सी बात है, कीड़ा है तो इस वजह से उसके पीछे, कीड़े के पीछे बच्चा आता है, बच्चे के पीछे संगाड़ा आता है, संगाड़े की बाइट यहाँ से इजीली मिल जाती है। और जो सूरत हाल है उधर की कुश्त, जी जी कुश्त वाली साइड, वहाँ की कुछ सूरत हाल अभी नहीं पता, क्योंकि रश ज़्यादा होती है, तो मैंने सोचा ये बेस्ट रहेगा, फैमिलीज़ भी आई होंगी तो अच्छा नहीं लगता कि मुनासिब की वीडियो बनाई जाए, तो ये अलग से सेपरेट ठीक था। तो भाई क्या बताना चाहिए, क्या नाम, पहले अपना नाम बताएं। सजाद कुरैशी साहब हैं, ये सुबह से आए हुए हैं, इन्हें बाइट मिली है रहु, उसकी संगाड़े की भी, पाँच रहु के पट्ठे लगे हैं और संगाड़ा, एक संगाड़ा लगा है कुछ 2-3 किलो का, यह सही है। तो क्या सूरत हाल है जी कुछ रावल डैम के वाले से, जो आने वाले दिन है जुम्मा हफ्ता इतवार जो तीन आने वाले, चार दिन या तो जुमे रात है ना, आगे सारा क्रेडिट जाता है हमारे भाई हैं, बहुत प्यारे मोहतबर भाई हैं, नुवीद कुरैशी साहब। जी 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 बिल्कुल ठीक है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा ही है, सही है। तो ग्रेट बंदे हैं, जिंदा दिल इंसान है, अर्शकारी का ख्याल रखते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह उन्होंने जो हमसे ना अर्शकारियों के लिए ये एफर्ट की है, पैकेज बना दिया उन्होंने बिल्कुल। चार दिन शिकार ओपन हो गया, पहले राड भी बिस्मिल्लाह, पहले राड जो है वो थे अपना दो राड थे 1000 रुपये में, अब तीन हो गए हैं। तीन राड पे ये है कि हर शिकारी इजीली अपनी गेम कर सकते हैं। जी जी नवीद भाई, अगर आप ये मेरी वीडियो देखो तो ये आपके लिए अच्छे कमेंट्स में याद किया जा रहा है आपको। तो एक मेरे पास भी आइडिया है, एक अगर कभी मुलाकात हुई आपके साथ, जिस तरह आप एफर्ट कर रहे हो रावल डैम के हवाले से या दूसरी जगह पे भी, आपने मैंने सुना है काफ़ी एफर्ट किया है, तो मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डील कर रहे हो और रन कर रहे हो,
उसमें थोड़े से अगर माइंड मज़ीद एक मेरे पास आइडिया था कि इसकी सफाई के हवाले से भी कुछ किया जाए यार, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट पे अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत हालात और टाइट होते जाएंगे इसके। तो अक्सर लोग कह देते हैं कि जी, मैं वर्ड यूँ यूज़ करना चाहता रावल डैम के लिए, क्योंकि यहाँ से हमने शिकार सीखा है, ये समझ लें हमारा होम ग्राउंड है, और इसके बारे में गलत वर्डिंग यूज़ नहीं कर सकता। दूसरे भी जो मेरे पुराने शिकारी हैं जिन्होंने यहाँ से सीखा है, उन्हें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि यार इसके लिए वर्डिंग ऐसी ना यूज़ करें कि बाद में हमें उसी को हर्जाना भुगतना पड़े। तो अगर आप ये एफर्ट करना चाहते हो, वो लाइफ चाल टिप कम से कम जुड़ गई थी, लेकिन भाई इंतज़ार करें कि थोड़ा सा मज़ीद वेट किया जाए। अच्छा, मैं कह रहा था कि इसके वाले से ऐसी वर्डिंग ना यूज़ की जाए कि यार के बाद में हमें खुद पछताना शुरू हो जाए, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं या कमेंट्स आप ऐसे कर देते हो तो वो हम सिर्फ नहीं देख रहे, पाकिस्तानी और लोग भी हैं जो देख रहे हैं इसको। तो लिहाजा कोशिश करें कि इसके बारे में ऐसी कमेंट्स ना करें, ना कुछ ऐसे वर्डिंग यूज़ करें कि बाद में हमें खुद शर्मिंदगी का एहसास हो। तो लिहाजा नवीद कुरैशी साहब, अगर मेरी आप तक ये वीडियो पहुँचे तो इसके हवाले से भी कोई बैठ के गपशप करेंगे, क्योंकि मैं भी शिकारियों के हवाले से ऐसा तरीके से जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं वो शेयर करता रहता हूँ अपने चैनल के ज़रूर। तो ये भाई हैं सजाद साहब, शहजाद कुरैशी, ये बहुत तारीफ़ कर रहे हैं आपकी, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा, जो ये तीन राड इजीली लगा रहे हैं, नहीं तो ये दो पे खेलते और चार पर्चियाँ, दो पर्चियाँ कटवाते तो चार राड होने थे फिर भी। तो जाली के नज़दीक ही है बचे आए थे उनके। अच्छा, जाली इन्होंने बेच दी है, शिकार अच्छा हुआ है, खुदा करे कि आगे आने वाले दिनों में, मैंने जैसे बताया कि बहुत अच्छा गेम होने का चांस है, रावल डैम बहुत बड़ा शिकार होगा, अच्छा साइज़ रोहू का, कम से कम जो साइज़ लगा करेगा वो 2.5 किलो से ऊपर ऊपर का ही होगा, क्योंकि साइज़ जो बच गई है मछली जाल में नहीं फंसी उसके थ्रू साइज़ गेन कर गई हुई है रावल डैम की मछली। तो मेरा ख्याल है वो सामने पार्टी के पास चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं राय, उनको एक दाना हिट हुआ छतरी वाले नहीं है, लाल छतरी वाले, तो उनसे जाके तो पूछते हैं, लगे हैं एक दाना हिट हुआ अच्छा तगड़ा बोल रहे हैं, तो चल के पूछते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा, एक और बात इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ, क्योंकि ये रेत का बेड है, रेत है यहाँ पर ज़्यादातर ना, अगर मोबाइल मेरा कैच करे ये देखें, रेत रेत है। अब यहाँ पर रेत की वजह से कछुआ भी बहुत है, कछुआ क्योंकि अंडे रेत में देता है तो उसे वो एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, तो वो अंडे आके यहाँ पे देता है, तो यहाँ पे आपको कछुए की बाइट मिलने का चांस है। पुश्ते वाली साइड पे वहाँ पे उसको एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं मिलता, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा पानी उतरता है तो उसकी वजह से उसे एनवायरनमेंट उस तरह का मिलता है, तो वो उस जगह पर अपनी ब्रीड वगैरह और परवरिश करता है। लेकिन जो ज़्यादा है वो इसी तरफ करता है, क्योंकि खुला एरिया है यहाँ पर, आमदोरफ्त कम है लोगों की, लुग्गी एरिया में चला जाता है, और जब खुराक की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस तरफ आता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, ये भाई गए आगे, इनके दोनों राडों पे चाल थी, तो मैंने कहा आप जाएं आगे, आप कास्टिंग कर रहा हो, मैं देखता हूँ अगर आपका टिप जुड़ती है तो मैं आपके लिए राड उठा लूँगा, तो टाइम आपका ज़ाया हो रहा, क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें बाइट एक दो मिल सकती है और अच्छी बाइट मिलने का चांस होता है, क्योंकि जब मछली शाम के टाइम राउंड करती है बच्चे को उठाने के लिए और उसे आगे खुराक मिलती है, तो वो बच्चे को पकड़ने के चक्करों में अपना चारा उठाना शुरू कर देती है शिकारियों का। ठीक है, तो ये भी टाइम बहुत अच्छा है शिकार का। ये भाई गए हैं, देखें कितनी दूर गए हैं, कम से कम ये 15-20 फुट दूर गए हैं, 15 से 20 फुट दूर हैं पानी से, किनारे से आगे गए हुए हैं। तो इस राड पे चाल थी और इस पे भी चाल थी, लेकिन पक्की चाल नहीं है, क्योंकि आगे पतला पानी है, बच्चा भी है, तो बच्चे के पीछे जब संगाड़ा आता है तो उसकी बाइट भी मिलने का चांस है। तो वो भी भाई कास्टिंग कर आए हैं, ये कास्टिंग करने लगे हैं, ये देखें यहाँ से अब जा, इन्होंने कास्टिंग की है तकरीबन 30 फुट आगे और 50 फुट की दूरी पर कास्टिंग की है, क्योंकि इनके जो राड हैं वो राड अच्छे हैं, ग्रारियाँ थोड़ी छोटी लगी हुई हैं, 100 मीटर में डोर चढ़ती होगी इन पे, छोटी ग्रारियाँ मिनी, उस पे 150 या 200, इस वाली ग्रारी पे 200 मीटर डोर चढ़ती होगी डोर। ये फेंक के आ गए हैं भाई,
आगे भी जाएंगे, आगे भी सूरत हाल पूछते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है शिकारियों की रही। लेकिन टाइट किया आपने, थोड़ा सा टाइट किया क्योंकि एक बाइट मिली है भाई को, वो हुक मैंने करवा दिया था लेकिन वो आगे झाड़ी में फंस गया है, पता नहीं कितना दाना है। झाड़ी आगे फंस गई है, दाढ़ आगे क्योंकि आगे झाड़ियाँ हैं ना, वो दाना निकल गया। बस जो किस्मत में नहीं होता फिर ऐसा ही होता है, उसमें कोई जोर नहीं है किसी का। ओ मिलेगी मिलेगी, अभी चांस है आपका, काफ़ी टाइम है, तो आप ट्राई करते रहें। अगर पानी ना होता तो मैं आपको कहता राड छोड़ दें, मैं आपके लिए कास्टिंग कर देता हूँ। पानी अब आगे जाना पड़ेगा, बहुत आगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये दूसरी पार्टी के पास आए हैं जी। जी भाई जान, कुछ बताइएगा व्यूअर्स को क्या कुछ सूरत आ रही है आज के दिन। आज गेम अच्छी हुई है लेकिन हमारे से कंट्रोलिंग नहीं हुई है, तीन दाने टूटे हुए हैं, दो एक दाना जो है ना इसका मारा है सिंगाड़े का। अच्छा जी, ये भाई ने कहा सिंगाड़ा काट के लिया बचे एक फात ले। ये जी भाई कह रहे हैं आगे कछुआ भी बहुत ज़्यादा है, कछुआ जो है कछुआ बहुत है, ये भी अंदर जा जा के कास्टिंग कर रहे हैं। और ये माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत साइज संगाड़े का, कम से कम ये तकरीबन 3-3.5-4 को टच कर रहा है संगाड़ा। भाई से खुद पूछ लेते हैं, साइज़ देखें संगाड़े का और सूरत हाल देखें। ये है जी साइज़ संगाड़े का, बहुत खूबसूरत साइज़। तो किस पे लगा ये? ये कीड़े पे लगा। कीड़े पे लगा है जी। भाई का नाम? चला खान कुस्तानी। चला खान कुस्तानी भाई हैं, बहुत अच्छा साइज़ लगा है माशाल्लाह। अभी है चांस, काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, अभी हुए हैं जी टाइम तकरीबन 5:45 हुए हैं, लेकिन चांस है संगाड़ा मजीद लग सकता है, रोहू भी लग सकता है अभी इंशाल्लाह। तो पानी अंदर जाके कास्टिंग करते रहे हैं सारा दिन इतना इतना। ये देख लें जी, ये देख लें जी कितना कितना, आधा आधा, ये आधा यानी कि बीच में गए फिर क्रॉसिंग, क्योंकि आगे सारी ये पीतल है, इधर से ऊपर पानी नहीं है, बहुत आगे जाके इतना पानी है। अच्छा अच्छा, इसलिए हम जो है ना आगे जाके फिर क्रॉसिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये सूरत हाल चल रही है, ज़्यारत वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ मैं, बहुत ज़्यारत है पीछे। तो ये तो इन भाई, ये पार्टी की क्या सूरत आ रही है? ये जो भाई इनको दो बेचारों को कछुए लगे हुए हैं, 4x4 लगे। अच्छा, और उन्होंने गियर भी 4x5 लगाया हुआ था। अच्छा, ड्रैगटी ड्रैगटी नो स्टॉप, एक तो उधर ही टूट गया पीछे। तो यस, ये जी लाइफ आपको दिखा रहे हैं हम, मिस हो गया, टिप जुड़ी थी लेकिन वो उस तरह की नहीं जुड़ी। बहरहाल सूरत हाल जो है वो नाजुक है, कीड़ा खेल रहे हैं, कीड़े पे ऐसा ही होता है, कंफर्म बाइट नहीं मिलती बार दफ़ा, क्योंकि मछली को जब कांटा चुभ जाता है एकदम वो छोड़ देती है, मुंह खोल देती है। तो यही सूरत हाल हुई है यहाँ पे ही, तो जैसे ही बाइट मिले आपको एकदम हुक कराना पड़ता है। नारायण है कि वो थोड़ा सा मौका देती है, दूसरी जितनी मछली हैं वो टाइम नहीं देती। ये दूसरी चाल मिली है इन भाई को, देखें क्या कुछ सूरत हाल निकलती है, खुदा करे कि अच्छी बाइट मिल जाए इन्हें। कुछ चीज़ है साथ, शायद तलापिया शलापिया या कोई शापर आ गया। वो ये सूरत हाल है रावल डैम की, आ गए। अगर तो आप खेलना चाहते हो इस तरफ तो फिर बीच में जाके ये चाल 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 चाल, नहीं 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 अभी वेट करेंगे भाई, क्योंकि ये चाल मुझे ठीक लग रही है, थोड़ा सा वेट करें जी, मौका दें स्टिप जोड़ने का, जल्दबाजी में भी ये ना हो कि आप अभी सोचे बाइट आटा ला बचे दस्ती होना आटा ला। ये वाइट आटा खेल रहे हो? नहीं, हाँ ये दूसरा आटा खेल रहे हैं, ग्रीन आटा। ये 4 नंबर फीड रोहू के लिए खेल रहे हैं जी, रोहू 4 नंबर फीड, जैसे मैंने अभी चंद दिन पहले अपलोड किया वीडियो, आप उस आटे को लाजमी ट्राई कीजिएगा और लहसुन लाजमी डालें उसमें, तो आपको अच्छी बाइट मिलेगी और साइज़ भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो सूरत हाल है रोहू रावल डैम अगर खेलते हो तो, और भी जगह पे आप खेलते हो तो अच्छी बाइट मिलने का चांस है।
आपके राहु पंजाब वाली साइड पे जो दरियाए मारे हुए वहाँ पे लग रहा है। तो ये लाइव चाल भी आपको दिखा रहे हैं, कुछ लग रहा है कि कुछ अच्छी चाल है, क्योंकि ये अप एंड डाउन जो किया है इसने ना। आज ईद का दूसरा दिन है, सूरज को डूबने देना जी। नहीं जी, हमारे को हमने जाना दूर है। किस जगह पे? पिंडी जाना है। पिंडी किस जगह? पिंडी डोगरी गांव। अच्छा डोगरी है, तो नजदीक है यार, 5-10 मिनट लगे। लेकिन हमने पैदल बाहर तक जाना है ना। अच्छा, मसला ये हमारे भाई का गाड़ी थी, गाड़ी चली गई है, बाइक थी वो चली गई है, वहाँ से लेके वहाँ तक अपने पॉइंट लगे हुए थे सारे हमारे, तकरीबन 3, 3, 6, 9, 9 और 5, 14 और 7 जजीरे पे लगे हुए थे, लगे थे। अच्छा, अब चले गए, गेम नहीं है करके मैं बैठा हुआ हूँ। ये नहीं, चाल अच्छी नहीं है क्योंकि बच्चा लग रहा है टक टुक पर, टक पर चून है, बड़ी होती तो उसने 60 अब तक जोड़ देना था इसे। तो ये कुछ सूरत हाल है। हाँ, वो आगे कह रहे हैं जी कि चाल जो हुई है वो तालाब वो लगा कछू लगा, अच्छी गेम नहीं है, वो आगे भी पार्टियां बैठी हैं, यानी कि रावल डैम पर अच्छी खासी रश है आज के दिन। तो पुश्ते वाली साइड पे जाता मैं आपके लिए वीडियो बनाता, लेकिन उधर रश बहुत ज़्यादा होनी है तो इस वजह से उधर नहीं गए, इधर ही बैठे हुए। इधर ज़रा ये है कि ईजी हो जाता है। वो भाई के पास जाते हैं, सूरत हाल पूछते हैं क्या सूरत हाल है इधर की, आपको मैंने अपडेट दे दी है। आगे चलते हैं और बताते हैं आपको क्या सूरत हाल है, उनके कमेंट्स बताते हैं आपको। ये जी भाई को बाइट मिली है, अच्छा साइज़ लग रहा है, क्योंकि जो 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 राड की सिचुएशन है वो बता रही थी। आ जाना, आ जाना, मैं आ जाना, एक मिनट जी, चिकू डालता हूँ मैं भाई के लिए, भाई परेशान है शायद। चलो, संगाड़ा निकल आया, ये जी संगाड़ा लगा भाई। हाँ जी, ये जी संगाड़ा लगा भाई को, ज़बरदस्त साइज है। चले, एक इनसे मिस हो गया क्योंकि ये झाड़ियाँ आगे, मैं बताया झाड़ियों की वजह से दाना लगा लगा निकल गया किनारे पे आ गए। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे किनारा बिल्कुल साथ जुड़ा हो तो वहाँ पे बैठे हैं आप, अंदर जा जा के आपका बेड़ा गर्क हो जाना है, थकावट बहुत ज़्यादा होनी है जी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये दूसरी पार्टी के पास आए हैं जी। जी भाई जान, कुछ बताइएगा व्यूअर्स को क्या कुछ सूरत आ रही है आज के दिन। आज गेम अच्छी हुई है लेकिन हमारे से कंट्रोलिंग नहीं हुई है, 3 दाने टूटे हुए हैं, दो एक दाना जो है ना इसका मारा है सिंगाड़े का। अच्छा जी, ये भाई ने कहा है सिंगाड़ा काट के लिया बचे एक फात ले। ये जी भाई कह रहे हैं आगे कछू भी बहुत ज़्यादा है, कछवा जो है, कछवा बहुत है, ये भी अंदर जा जा के कास्टिंग कर रहे हैं। और ये माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत साइज संगाड़े का, कम से कम ये तकरीबन 3-3.5-4 को टच कर रहा है संगाड़ा। बक भाई से खुद पूछ लेते हैं, साइज़ देखें संगाड़े का और सूरत हाल देखें। ये है जी साइज़ संगाड़े का, बहुत खूबसूरत साइज़। तो किस पे लगा ये? ये कीड़े पे लगा। कीड़े पे लगा है जी। भाई का नाम? चला खान कुस्तानी। चला खान कुस्तानी भाई हैं, बहुत अच्छा साइज़ लगा है माशाल्लाह। अभी है चांस, काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, अभी हुए हैं जी टाइम तकरीबन 5:45 हुए हैं, लेकिन चांस है संगाड़ा मजीद लग सकता है, रोहू भी लग सकता है अभी इंशाल्लाह। तो पानी अंदर जाके कास्टिंग करते रहे हैं सारा दिन इतना इतना। ये देख लें जी, ये देख लें जी कितना कितना, आधा आधा, ये आधा यानी बीच में गए हैं फिर क्रॉसिंग, क्योंकि आगे सारी ये पीतल है, इधर से ऊपर पानी नहीं है, बहुत आगे जाके इतना पानी है। अच्छा अच्छा, इसलिए हम जो है ना आगे जाके फिर क्रॉसिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये सूरत हाल चल रही है, ज़्यारत वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ मैं, वो ज़्यारत है पीछे। तो ये तो इन भाई ये पार्टी की क्या सूरत आ रही है? ये जो भाई इनको दो बेचारों को कचू लगे हुए हैं, 4x4 लगे। अच्छा, और उन्होंने गियर भी 4x5 लगाया हुआ था। अच्छा, ड्रैग टी ड्रैग टी नो स्टॉप।
एक तो उधर ही टूट गया पीछे। यस ये जी लाइफ आपको दिखा रहे हैं हम। मिस हो गया, टिप जुड़ी थी लेकिन वो उस तरह की नहीं जुड़ी। बहरहाल सूरत हाल जो है वो नाजुक है, कीड़ा खेल रहे हैं। कीड़े पे ऐसा ही होता है, कंफर्म बाइट नहीं मिलती बार दफ़ा, क्योंकि मछली को जब कांटा चुभ जाता है एकदम वो छोड़ देती है, मुंह खोल देती है। तो यही सूरत हाल हुई है यहाँ पे। तो जैसे ही बाइट मिले आपको एकदम हुक कराना पड़ता है। नारायण है कि वो थोड़ा सा मौका देती है, दूसरी जितनी मछलियाँ हैं वो टाइम नहीं देती। ये दूसरी चाल मिली है इन भाई को, देखें क्या कुछ सूरत हाल निकलती है। खुदा करे कि अच्छी बाइट मिल जाए इन्हें। कुछ चीज़ है साथ, शायद तलापिया शलापिया या कोई शापर आ गया। वो ये सूरत हाल है रावल डैम की। आगे अगर तो आप खेलना चाहते हो इस तरफ तो फिर बीच में जा के ये चाल 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 नहीं 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 अभी वेट करेंगे भाई, क्योंकि ये चाल मुझे ठीक लग रही है। थोड़ा सा वेट करें जी, मौका दें स्टिप जोड़ने का। जल्दबाजी में भी ये ना हो कि आपका मिस हो जाए बाइट। आटा ला बचे दस्ती होना आटा ला। ये वाइट आटा खेल रहे हो? नहीं हाँ, ये दूसरा आटा खेल रहे हैं, ग्रीन आटा। ये चार नंबर फीड रहू के लिए खेल रहे हैं जी, रहू चार नंबर फीड। जैसे मैंने अभी चंद दिन पहले अपलोड किया वीडियो, आप उस आटे को लाजमी ट्राई कीजिएगा और लहसुन लाजमी डालें उसमें, तो आपको अच्छी बाइट मिलेगी और साइज़ भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि जो सूरत हाल है रहू रावल डैम अगर खेलते हो तो और भी जगह पे आप खेलते हो तो अच्छी बाइट मिलने का चांस है। क्योंकि रहू पंजाब वाली साइड पे जो दरियाएँ मारे हुए वहाँ पे लग रहा है। तो ये लाइव चाल भी आपको दिखा रहे हैं, कुछ लग रहा है कि कुछ अच्छी चाल है। क्योंकि ये अप एंड डाउन जो किया इसने ना, आज ईद का दूसरा दिन है, सूरज को डूबने देना जी। नहीं जी, हमारे हमने जाना दूर है। किस जगह पे? पिंडी जाना है। पिंडी किस जगह? पिंडी डोगली गांव। अच्छा डोगली है तो नज़दीक है यार, 5-10 मिनट लगे। लेकिन हमने पैदल बाहर तक जाना है ना। अच्छा मसला ये, हमारे भाई का गाड़ी थी, गाड़ी चली गई है, बाइक थी वो चली गई है, वहाँ से लेके वहाँ तक अपने पॉइंट लगे हुए थे सारे हमारे, तकरीबन 3, 3, 6, 9, 9 और 5, 14 और 7 जजीरे पे लगे हुए थे, लगे थे। अच्छा अब चले गए, गेम नहीं है करके मैं बैठा हुआ हूँ। ये नहीं, चाल अच्छी नहीं है क्योंकि बच्चा लग रहा है, टक टुक पर टक पर चून है। बड़ी होती तो उसने 60 अब तक जोड़ देना था इसे। ओ ये कुछ सूरत हाल है। वो आगे कह रहे हैं जी कि चाल जो हुई है वो तला वो लगा कछू लगा, अच्छी गेम नहीं है। वो आगे भी पार्टियां बैठी हैं, यानी कि रावल डैम पे अच्छी खासी रश है आज के दिन। तो पुश्ते वाली साइड पे जाता मैं आपके लिए वीडियो बनाता, लेकिन उधर रश बहुत ज़्यादा होनी है तो इस वजह से उधर नहीं गए, इधर ही बैठे हुए। इधर ज़रा ये है कि ईजी हो जाता है। वो भाई के पास जाते हैं, सूरत हाल पूछते हैं क्या सूरत हाल है इधर की। आपको मैंने अपडेट दे दी है, आगे चलते हैं और बताते हैं आपको क्या सूरत हाल है, उनके कमेंट्स बताते हैं आपको। जान ये देखें जी, राड कास्ट करने जा रहे हैं, इन्होंने लगाई हैं गोलियाँ, आटा खेल रहे हैं भाई। ये अभी देखेंगे कितनी दूर जाएंगे। बेटा तुमने नज़र रखनी है इस पर, अच्छा ना, क्योंकि आप भाई जा रहे हैं अंदर तो ये कोई पता नहीं एकदम इसको बाइट मिल जाए राड को। आगे क्योंकि सूरज है, सूरज की वजह से वीडियो उस तरह की नहीं बनेगी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं साइड कैमरा कर लूँ। ये सूरत हाल है, देख रहे हैं आप कितना आगे गए हैं भाई। ये चले गए हैं भाई, कितनी दूर गए हैं ये, आधे से ज़्यादा उनका टांगे जो है डूब गई हैं। तो इतनी दूर कास्ट करने से बेहतर है कि आप पुश्ते हुए जाके बैठो, बाइट आपको जो मिलेगी आपका दिल खुश हो जाएगा।
अगर मिली, लेकिन उधर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये कास्ट कर लिया इन्होंने भाई ने, तो जो मेरा ऑटो जूम है फोकस नहीं करता मोबाइल, ये भाई कास्ट करके आ रहे हैं, बहुत दूर गए हैं कास्टिंग करने। तो ये जो मशक्क़त है इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप पुश्ते पे बैठ जाओ, वो ज़्यादा रहेगा। यहाँ वो बच्चा पार्क बैठ जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये बच्चा पार्क है जी, ठीक हो गया। रावल डैम की अपडेट दे रहा हूँ आपको मैं, आज तारीख है 11 अप्रैल 2024। ये क्लोजिंग करना शुरू हो गए हैं भाई, क्योंकि लगता है कि इन्हें अब शिकार नहीं होगा, लेकिन बड़ी बाइट मिलने का चांस भी है, क्योंकि अब थकावट बहुत ज़्यादा हो गई होगी शिकारियों को, तो ये क्लोजिंग कर रहे हैं कि अब चले जाएं, क्योंकि बाइट मिलने का चांस कम है। देखो क्या कुछ सूरत हाल निकलती है जी। भाई जान ज़रा बताइएगा कितनी मशक्क़त है, ये मशवरा देते हो आप शिकारियों को इस तरफ आके खेलने का, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? फ़ायदा तो होगा, लेकिन उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मेरी तरह। तो और कछुओं के लिए कोई ऐसा कोई तरतीब करें, कछुए यहाँ से निकल जाएं, पॉइंट जो आपके सामने जो क्रॉसिंग के पास है। अच्छा, तो बाकी इंशाल्लाह गेम अच्छी होगी। अच्छा, खासकर इस पॉइंट पे बहुत अच्छी गेम होती है। ठीक ठीक, लेकिन जो बीच में जा के कास्टिंग करनी पड़ रही है, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है, मशक्कत वाला काम? बजाय ये मुशक्कत तो नहीं है, हर बंदे का अपना शौक है, शौक के लिए शौक का कोई मूल्य नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बंदे ऐसे हैं जो कल दोपहर से यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, पर अब मुझे देखो, कल दोपहर से बैठा सिर्फ शिकार के लिए, पॉइंट के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। जो है ना, कहना चाहता हूँ थोड़ी सी है तकलीफ होती है, आगे जाना पड़ता है। हाँ, खासकर वो बंदा इस पॉइंट पे बैठे जो तारीबाज है, ये ना कोई ऐसा हो तारी ना मारने आती हो, वो आगे जाए डर के मारे और आगे चलता जाए, वो काम ना करें। कोशिश ये करें कि अपनी जान की भी हिफाजत करें और अपना शौक भी पूरा करें। ये भाई ने टिप लगा दी है जी, और भाई मशवरा दे रहे हैं कि जिन्हें तैराकी नहीं आती, तारी नहीं आती, वो इस पॉइंट पे ना आएँ, क्योंकि ये देख रहे हैं सूरत हाल कितना अंदर घुस के कास्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन आप दो बंदे हो, एक कीड़ा लगा रहे हो और एक राड कास्ट कर रहा है, तो फिर ये आपको फ़ायदा देगा। अगर आप अकेले आते हो और राड भी खुद कास्ट करना पड़ता है और कीड़ा भी खुद लगाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा आप जल्दी थक जाओगे, तकरीबन आप 12 बजे तक सोचोगे कि वाइंड अप करके घर जाएँ। अगर शिकार होता जाए तो फिर आप कहते हो यार शिकार तो हो रहा है, थोड़ी सी खुवारी तो है। कम से कम इनके 3 बंदे लाजमी है। अच्छा जी, भाई कह रहे हैं कम से कम तीन बंदे, एक राड क्रॉसिंग के लिए हो, एक पीछे राडों का ख्याल रखे, और एक पीछे जो है ना आटा और कीड़ा लगाने के लिए हो। जी तो बिल्कुल ऐसे वो ये होता है, इसलिए इसमें ये होता है, अब मैं हूँ, मेरे साथ छोटा बच्चा है, इसको सही समझ नहीं है, तो अब चाल होगी होक नहीं करा सकता ये, तो मुझे टेंशन, फिर आगे जाने की टेंशन हो जाती है, मैं अपनी क्रॉसिंग सही नहीं कर सकता हूँ। ऐसा ही मेरे साथ कोई होगा सही बंदा, तो मैं सुकून से क्रॉसिंग करके अपनी वापस अपने पॉइंट तक आ सकता हूँ। जी जल्दबाजी में कम पानी की जगह, मतलब इतना जाना इतना मैं होके आया हूँ अभी, सिर्फ किस वजह से मेरे राड पे चाल हो रही थी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा भाई जी कह रहे हैं कि जी 3 बंदे लाजमी हैं, एक कीड़ा लगाएगा, एक जब कास्ट करने के जाते हो आप पानी में तो पीछे फिक्र होती है कि यार टिप जुड़ ना गई हो, चाल ना हो गई हो, तो ये प्रॉब्लम है। जैसे अब मैं वहाँ पे था तो वो चाचू यही कह रहे थे कि यार डार्ट कास्ट करने जाऊँ या ना जाऊँ, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, चाल भी हो रही है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप जाएँ, आप टेंशन ना लें, पीछे अगर टिप जुड़ती है तो मैं हुक करवा लूँगा, आपको दाना निकाल के दे दूँगा। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि आगे थोड़ी सी जड़ी बूटी थी, दाना आया और उसमें फंस गया, क्योंकि शायद पूरा हुक नहीं हुआ था, क्योंकि कीड़ा खे रहे हैं। कीड़ा आपको बताया कि थोड़ा ये प्रॉब्लम आती है, मिस बाइट मिलती हैं आपको, उसके ऊपर राड के ऊपर बैठना पड़ता है। अगर आप आटा खे रहे हो तो आटे की कंफर्म बाइट मिलती है, पेड़ा लगाया हो तो उसकी कंफर्म बाइट मिलता है, क्योंकि मछली को हुक ज़रा जो आपकी लगी होती है कांटा, वो चुपता लेट है तो वह हलक तक जब ले कर जाती है, फिर उसे फील होता है कि कुछ गलत चीज़ मेरे मुँह में गई है, तो वो उस वक्त मुँह खोल के उसे बाहर फेंकने की करती है। तो कीड़े के लिए जब आप खेलो तो आपको राड के ऊपर बैठना पड़ता है। हाँ, कुछ जज्बाती हो मछली वो मुंह में डालती है और भागती है, तो वो ऑटो हुक होता है खुद ब खुद ही। ये सूरत हाल है रावल डैम की,
आपका होस्ट विकी बाबू रावल डैम की अपडेट दे रहा हूँ। कल अगर आप बैठना चाहते हो रावल डैम तो सिंगल बंदा ना आए, डबल बंदा आए इस तरफ, खासकर क्या नाम है ज़ियारत वाले पॉइंट की तरफ। इधर ये सूरत हाल है कि पानी के अंदर घुस घुस के कास्टिंग करनी पड़ती है। तो वो भाइयों ने क्लोजिंग कर दी है, वहाँ पे लेके जाना था आपको, भाइयों ने क्लोजिंग कर दी है, लिहाजा मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ही रहूँ। तो यहाँ फिर मैं उधर पीछे की तरफ वापस जाऊँ, तकरीबन सारे लोग क्लोजिंग करने शुरू हो गए हैं। वो मेरा ख्याल है उनकी थोड़ी सी अगर हेल्प कर दूँ तो वो ज़रा खुश हो जाएंगे, चाचू भी, और उन्हें जो प्रॉब्लम है कास्टिंग करने में और पीछे फेस करके देख रहे हैं, टेंशन उनकी रिलीव हो जाए। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो स्किप करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, और आपको रावल डैम की मैं अपडेट देता रहूँगा। और दूसरे जहाँ पे जब शिकार स्टार्ट होगा मंगला या तरबेला, तो जब उधर जाएंगे तो उधर की भी अपडेट दूँगा मैं आपको। तो दुआओं में, ये लाइव चाल हल्की सी लेकिन अच्छी चाल है, आटा लगा हुआ है, हल्का हल्का उठाया उसने, लेकिन देखो क्या सूरत हाल निकलती है। यहाँ से भाई से पूछते हैं क्योंकि ये बता रहे थे कि सुबह दोपहर, कल दोपहर के यानी कि तो दोपहर में आ गए होंगे, कुछ 4 बजे आ गए होंगे। सूरत हाल पूछते हैं कि इस पॉइंट के क्यों इतने दीवाने हैं, क्योंकि जब मैं एक पॉइंट पे बैठता था तो मैं भी उसकी वजह से बैठता था, क्योंकि वहाँ पे हर मछली लगती थी। तो इनसे पूछते हैं कि वो इस पॉइंट पे क्यों बैठते हैं, क्यों सुबह से आए हुए थे और बैठे हुए थे। अगर वो पानी पी रहे हैं, पानी पी के और अपने राड के पे निगाह रखे हुए, तो उनसे पूछते हैं, फिर बताते हैं आपको कि क्यों वो इस पॉइंट पे बैठे थे। भाई जान आप फ्री हो, ज़रा थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ इस पॉइंट के बारे में आपसे, वो आप उस पर नज़र रखें, साथ साथ फेस उस पर रखें और बात मुझसे करें, ठीक है। ये चाल हो रही है, बड़ी अच्छी चाल हुई है, मैं नहीं चाह रहा कि इनकी ये बाइट मिस हो, तो मैं इन्हें कह रहा हूँ कि राड पे आप नज़र रखें। तो मुझे ये बताइएगा आप, इस ये लाइव चाल बहुत खूबसूरत चाल है जी, खुदा करे कि अच्छा दाना लगे इन्हें। बाद में इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि पूरी कंसंट्रेशन इस तरफ होनी चाहिए इनकी, वो नाजुक मोड़ है इनके लिए। दोनों राड पे चाल है, उस पे भी आटा लगा हुआ है, उस पे कीड़ा है, तो आप ज़्यादा चांस इसका लें। ये सूरत हाल है जी, बहुत अच्छी चाल हुई है इन्हें इस राड पे, लेकिन खुदा करे कि चल जाए इनका ये राड। तो ये सूरत हाल है रावल डैम की, आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ साथ साथ रावल डैम के, यहाँ सूरत हाल चल रही है। ये भाई भी हैं, इन्होंने 2 राड लगाए हैं, मेरा हाल है ये गलती से ले हैं 2, इन्हें पता ही नहीं था शायद कैसे 3 राड हो चुकी हैं। मैं इनसे भी पूछेंगे, इंट्रोडक्शन लेते हैं इनसे भी, और बाद में इन भाई के पास आते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्यों इस पॉइंट के दीवाने हैं, क्या वजह थी, यहाँ पे साइज़ अच्छा लगता है या कोई और सूरत हाल है। जी भाई जान, आपसे पूछा था कि इस पॉइंट के लिए आप क्यों सुबह दोपहर, कल दोपहर से आए हुए हो ना? दोपहर से आया हूँ, इसलिए मैं आया हूँ बड़े भाई, यहाँ पे ना गेम हुई थी अच्छी और ये पॉइंट चल रहा है। अच्छा, इस वजह से। अच्छा, यानी कि रिपोर्ट आई थी इसकी, तो वैसे मैंने तो उस दिन शिकार खेल के जाना था कल, तो कल उन्होंने शिकार करने अलाउ नहीं था, बंद था शिकार। अच्छा अच्छा, इसलिए गुस्से पे मैं खुद मुझे खुद गुस्सा आया, मैं बैठ गया, मैं का शिकार खेल के जाऊंगा जो मर्जी हो। अच्छा 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 जी, भाई कह रहे हैं जी लास्ट जो पॉइंट चला है, ये वाला पॉइंट चला था ज़्यादा अच्छा, ये पॉइंट चला है तो उसकी वजह से वो इधर आए हैं। तो मैं समझा था कि शायद रंग बिरंगी मछली लग रही थी यहाँ पर, तो इस वजह से, तो वजह ये थी कि ये पॉइंट पर, जैसे मैंने बताया कि रावल डैम के ऐसे पॉइंट है जो बाज़ चलते हैं बाज़ नहीं चलते, फुहारी बहुत है इन पर मछली ठहर जाए तो बहुत अच्छी सा गेम होती है, 30-30, 40-40 दाने भी लगना शुरू हो जाते हैं, और ना हो तो एक दाना भी नहीं लगता। तो शायद आगे ये पॉइंट जो आगे इसके गहराई भी है, आइडियल पानी भी है, इस वजह से ये ज़्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो ये जा रहे हैं ये कम से कम 3-2.5 फुट के करीब करीब जा रहे हैं अंदर गहराई में। और वो जो अंकल बैठे हुए थे वो तकरीबन जा रहे थे कि जी अपने घुटनों तक, 2 फुट तक जा रहे थे वो। तो ये बड़ा क्रेज़ी मैटर है, सूरत हाल बहुत क्रिटिकल चल रही है रावल डैम की। इन भाइयों से भी पूछते हैं, ये भी चाह रहे हैं कि मुझे कोई बाइट शाइट मिल जाए। क्यों भाई जान, इधर इधर इस तरफ कैसे हैं, ठीक हैं? तो आप क्या एक राड भूल गए हो घर? अच्छा, कह रहे हैं वहाँ से उठ के मैं यहाँ पे आया हूँ, तो क्या सूट?
यहाँ से यहाँ पे तो हमें चाल भी मिली है। अच्छा अच्छा अच्छा, असल में वो जो आगे बेड है ना वो ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो आगे बेड है ना यहाँ से आगे जो वो चाचू खेल रहे हैं वहाँ से लेके ना यहाँ तक, ये आगे बेड बहुत प्यारा बेड है। अच्छा अच्छा, तो आप साथ ही रहते हैं? किधर? बरीमाम। अच्छा बरीमाम शहजाद जी, ये शहजाद भाई याद आ गए मुझे, शहजाद भाई के मोहल्ले से आए हैं जी बरीमाम, बहुत अच्छे शिकारी हैं वो, मेरे दोस्त हैं। तो आजकल उनका कोई अता पता नहीं है, अगर वो वीडियो देखें तो आया लोग कीजिएगा शहजाद भाई, ये आपके दोस्त। जानते हैं शहजाद भाई को भरी माम के? शहजाद नाम है, बड़े अच्छे शिकारी हैं, समली डैम खेलते हैं इधर, रावल डैम भी बगीची वाली साइड पे। तो नहीं क्या कहते हैं, साजद तो नहीं ना? साजद नहीं है, शहजाद नाम है। वो चाल हो रही है आगे जो राड पे चाल हुई है भाई को, तो इसलिए साथ साथ बातें भी कर रहे हैं और साथ साथ हम ये चाह रहे हैं कि जो शिकारी बैठे हुए हैं उन्हें बाइट मिल जाए, कोई अच्छी बाइट मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्लोजिंग टाइम है जी, एंड बहुत अच्छी गेम हुई है यहाँ पे, संडे वाले दिन हुई है, इससे पहले भी कुछ गेम अच्छी हुई है। आप इन्हीं पॉइंटों पे हुई है? तो मैंने सुने वो कोने वाला जो पॉइंट है, वो जो आप कोने पे है, वो कोने पे वो चलता है ना पॉइंट, रहू के? अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो संडे वाले दिन अलाउ होता है? हैं संडे को? अच्छा संडे वाले दिन, मैं मंडे, आप मंडे कह रहे हो ना शायद, संडे कह रहे हो? हाँ संडे वाले दिन, मैं मंडे को कैसे, मैंने सुनने में शायद गलती आ रही है। तो वही जैसे मैंने पहले भी बताया, वो जो कोने वाला पॉइंट है ना, ये कोने वाला पॉइंट, जैसे ही मैंने वीडियो पिछली वीडियो में बताया, जैसे ही आप ऊपर से नीचे उतरते हो, ऊपर से नीचे उतरते हो और ज़्यारत वाली साइड पर आपका रुख होता है, तो आप उल्टे हाथ पे जाओगे तो वो पॉइंट बनेगा, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। उससे आगे लास्ट टाइम वो जो पत्थर निकले हुए जजीरा सा छोटा सा, ये जजीरा सा, इसके थोड़ा सा आगे बीच में से घुस के जाना पड़ता है, 3-3 फुट पानी है, कोई ज़्यादा पानी भी नहीं है, उसके सामने भी खेलते हैं और वो सामने बिल्डिंग की तरफ खेलना पड़ता है, वंस की बिल्डिंग की तरफ खेलना पड़ता है, तो अच्छी गेम होती है। ये सूरत हाल रावल डैम की है, भाई बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या कुछ सूरत हाल निकलती है इनकी, खुदा करे कि अच्छी बाइट मिल जाए अभी। अच्छा अच्छा, कितने बजे आए थे सुबह? 7 बजे के करीब आए हैं, पॉइंट मेन नहीं मिले ने क्योंकि रश है। अब रावल डैम यही सूरत हाल होगी कि पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल है, अभी उधर भी जाते हैं, लेकिन आपको पुश्ते पे आड़ू वाले पॉइंट पे जी, रव के 4 दाने आड़ू वाले पॉइंट के पे लगे हैं जी, तो वहाँ से कोई अपडेट भी मिल गई है आड़ू वाले पॉइंट पे, जो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आगे नाला पड़ता है, दो तरफ से नाला उसे पड़ता है, राउंड मछली ऊपर से भी, तो नहीं वहाँ पे मछली जो खेली है ना पिछले जुमेरात को, मैं आया था पिछले जुमेरात, तो दाना इतना मोटा मोटा खेला था, आदमी कहता था ये धो भी लग गए ना तो काफ़ी कर देंगे, बस कर देंगे, बहुत मोटे दाने। तो इधर की कुछ सूरत हाल नहीं मुझे पता कि क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि इधर मैं बहुत कम आता हूँ। ये आटा लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, हाँ कीड़े की चाल मिल जाती है, संगाड़ा लगने का चांस है। हाँ आटे की, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आटे की जो चाल है वो कंफर्म बाइट मिलती है, वो चुभती नहीं है ना, जो आपकी कुंडी है उसके मुंह में चुभती नहीं है मछली, तो वो इनहेल करती है जब अंदर लेके जाती है ना, हलक तक जाता है तो फिर उसे पता चलता है गलत चीज़ जा रही है, उस वक्त तक पीछे शिकारी अपना काम कर देता है, हुक करवा दे। हाँ रावल डैम रहू और संगाड़ा जो है ये तादाद में लग रहा है, रहू ज़रा अच्छी साइज़ का है, चाइना तो समझ लें कि ख़त्म ही होगा तकरीबन, ख़त्म नहीं हुआ लेकिन वो उस तरह की नहीं बाइट, उस तरह की नहीं बाइटें मिल रही है, सूरत हाल है रावल डैम की। चाचू को शायद कोई बाइट मिली है, जाने को दिल कर रहा है उनके पास, लेकिन अगर वो किनारे पर बैठे होते पे उनके राड कास्ट कर देता ताकि उन्हें यार को बाइट मिल जाती, थक गए बेचारे, ये बता रहे थे कि मुझे, मैं थक गया हूँ, अंदर आना जाना फिर टेंशन भी है,
और एक और बात बताऊंगा, यहाँ पे अड़ा भी है, ये देख रहे हैं वो तोड़ रहे हैं, अड़ा भी है आगे क्योंकि जड़ी जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी जो सख्त। अच्छा अच्छा, ये नाला है, ये नाले में खेल रहे हैं जी, चालें मिल रही हैं। और ये वाले पॉइंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये दो पॉइंट मेन हैं यहां पे। अच्छा, मेरे आखिरी जो राड है ना यहां पे, तो वो यहां पे वो 22 मार्च क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, वहां से यहां तक ये इस पूरे बनीगाले का मेन पॉइंट हो रहा है कि वो जो आप, अच्छा अच्छा, पॉइंट पे चला जाता है, ठीक हो गया। वहाँ से तो आगे वो पत्थर वाले पॉइंट मिलते हैं, आगे पत्थर है फिर आगे, हाँ, और उसका रुख वो सामने बिल्डिंग की तरफ है, ये जो जजीरा है, जजीरा उस तरफ, उस तरफ खेलना पड़ता है, उस तरफ हो गया। और यहाँ से ये उठाया एक एक दो दो दाने इनसे सेंटर में से उनको टैग को चुन। अच्छा अच्छा, गेम जो करते हैं वो ये करते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसकी गहराई आगे कितनी होती है, कितना दूर चारा करना पड़ता है अगर आए आदमी तो? पानी नीचे चला गया ना, उसकी वजह से हमें आगे जाना। अच्छा, पानी और पीछे हो ना तो फिर हमें मसला नहीं होता है, क्योंकि बेड अच्छा मिल जाता है नीचे, अभी मली है नीचे। अच्छा, यहाँ से खड़ा होकर कास्ट करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगी और उसके बीच में वो दान नज़र ही नहीं आएगा, कम चांस। मली क्रॉस करके फिर आगे जो नसीब में करते हैं। अच्छा अच्छा, आगे भी खतरा है जाने का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चाल हो रही है जी राड पे, बहुत लूज कर गई है, आटा ये आटे की चाल, सुबह का आटे की बाइट, आटे की बाइट है, फोकस सारा आपका इस तरफ होना चाहिए क्योंकि ये जोड़ेगी तो कुछ, हाँ नहीं आटा बड़ा होता तो वो उसने टक जोड़ देना था। तो ये सूरत हाल है रावल डैम की, कोई ख़ास गेम नहीं हो रही आज के दिन, इतनी कुछ चंद एक पॉइंट आया जो चले हैं लेकिन कुछ नहीं, अभी मज़ीद थोड़ा वेट करेंगे तो आगे देखते हैं क्या कुछ सूरत हाल निकलती है। लेकिन अगर आप रिक्स लेना चाहते हो तो इधर का ना लें, संगाड़ा अगर खानते हो तो संगाड़े के लिए आप आ सकते हो, और कास्टिंग आपको मैंने दिखा दिया कितनी मुश्किल है कास्ट करना, उस खबारी से बचना चाहते हो तो आप बैठो पुश्ते वाली साइड पे, यहाँ बच्चा पार्क में बैठो, पॉइंट वो उस तरफ के लो, वो बहुत कौन से वाले, हाँ वो बच्चा पार्क के जो तमाम है बिल्कुल। लेकिन इधर की एक पता क्या सूरत हाल है, आप ये पीछे अगर बारबेक्यू करना चाहते हो तो बैठ के बारबेक्यू कर सकते हो, खाना बनाना चाहते हो अगर आपके पास वो है स्लीपिंग बैग है तो आपको बेहतरीन बेड मिलेगा, आराम सुकून से नीचे बिछाओ और ऊपर सो सकते हो आप, इधर की ये फ़ायदा है। लेकिन उधर ये है कि आपको बस पत्थरों पर बैठना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, यानी रावल डैम का तो हर तरफ अब मुश्किल ही है, कुछ सूरत हाल इस तरह की नहीं। यहाँ एक पॉइंट है जो जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील करोगे वो मैं बताता हूँ आपको कौन सा पॉइंट है, वो तीन जजीरा है, इधर से नज़र आ रहा है मुझे, ये जूम करके दिखाता हूँ, ये है जी तीन जजीरा, ये सामने तीन जजीरा है, इस पॉइंट पे अगर आप बैठते हो तो ये कंफर्टेबल हैं, पीछे लगे हुए हैं, भाई को लगता है हुक हुई है बाइट, आटा था, भी देखते हैं क्या सूरत हाल निकलती है, आटे पे अच्छा होना चाहिए, क्या है भाईजान मिस हो गया जी, आटे की बाइट मिस हो गई है, चलो कीड़े की तो होती है भाई से, आटे की मिस हो गई है, चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत नसीब में हो मिलना वही है, कोई पता भी नहीं बच्चा हो, बच्चे ने उठाया तो पट्टा हो तो पता नहीं लगता क्योंकि वाया बहुत ज़्यादा दूर कास्ट की हुई है, फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है, आगे बच्चा खेलना शुरू हो गया संगाड़े, हाँ जी केचवे कछु भी लगा है यहाँ पे तीन चार, असल में वो इन्वायरमेंट ऐसा है ना, उसे कछुए को जगह ऐसी मिल रही है ना, देखें ना अब रेत है यहाँ पे अंडे देता है वो, अंडे की वजह से तो लग रहा है मुझे कोई चीज़ है भाई के साथ, भाई के साथ कुछ चीज़ है, ये देखें दाना है था क्योंकि बहुत दूर था ना कास्टिंग बहुत ज़्यादा दूर थी, तो यही वजह होती है कि जब राड पे आप खेल रहे हो आपको उस वक्त तक नहीं फील होता,
तो मुझे लग रहा है कि आगे कोई नहीं कुछ डोर है, किसी और की डोर आ रही है। नहीं नहीं डोर आ रही है, उतर गया जी भाई से, जड़ गया जी भाई से। वो जैसे वो चाचू के साथ हुआ प्रॉब्लम के वो झाड़ी में फंसा है तो उतर गया। यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम ये है कि आगे अभी वो बता चुका हूँ कि झाड़ियाँ हैं, जब आप खींच रहे होते हो दाने को मौका मिलता है कि वो उसमें घुसे और अपने आप को छुड़ाए आज़ाद करवाए, तो ये भी सूरत हाल है। ओ ये भी आप सिचुएशन देख लीजिएगा रावल डैम की, इसके बाद आपको बताते हैं क्या कुछ सूरत-ए-हाल निकलती है। इस भाई को भी चाल मुझे लग रहा है कि अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर बड़ी चाल होती तो अब तक उसने टिप जोड़ देनी थी, ला के रख देना था राड को। ये जी सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला है, टाइम शार्ट हो गया हुआ है, तो रावल डैम की कोई सूरत-ए-हाल नहीं है। इधर अगर आते हो तो आपको बड़ी मुश्किल ख्वारी है, बीच में घुस घुस के राड कास्ट करने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल है। ये देख रहे हैं भाई जा रहे हैं अभी, अभी इन्होंने कीड़ा पहले आटा खेला था, अभी कीड़ा खेला है, वेट चारा भी कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने नहीं पूछा इनसे कि यार इन्होंने वो लगाया था वेट चारा, चारा करवाया था, कर रहे थे चारा किया था, नहीं सुबह वेट चारा तो कर रहे हैं, सुबह चारा चिरई गोले मारे थे ना कि नहीं कल के बैठे में। हाँ ईद यानी अगर ये वहाँ से दूर से ना आते तो पॉइंट इनको मिलना ही नहीं। अच्छा लेकिन ये देखें एक चीज़ मैंने इनकी ये ऑब्जर्व किया कि आप देखें कल के आए हुए ये भाई कितनी दूर भी जा रहे हैं, और राड देखें कितनी दूर कास्ट हुआ है इनका, ये देखें अच्छी खासी दूर कास्ट हुआ है, और कम से कम ये 70-80 फुट के दूर, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ले के अंदर जाते हैं और फिर कास्टिंग करते हैं और आगे भी जाते हैं कास्ट करने। तो कहने ये लगा था कि जब आपके नसीब में है मछली तो आपको मिलेगी, जब नहीं है तो आप जो कुछ मर्ज़ी करते रहो आपको मछली नहीं मिल सकती। कल के बैठे हुए बेचारे एक बाइट इन्हें मिली हुई है संघाड़े की, साइज़ अच्छा है, खुदा करे कि आगे भी अच्छा लग जाए, तो कन्फर्म नहीं है कि मिलेगा कि नहीं। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है वो यही है कि रावल डैम ये तो है, इन्हें चारा टाइम से करा देना चाहिए। लास्ट टाइम हम जब बैठे हैं हमारे साथ मिस है, ये हुआ है कि हमने चारा लेट करवाया था। ये चारे का बहुत टाइम मैटर रखता है जी, जब हल्की हल्की लूप घूट रही है, जैसे ये सूरज निकल आए, इस तरह सूरज ये फर्ज कर गुरूब हो रहा है, जैसे ये तलू हो रहा हो इतना सूरज निकल आए, आपको चारा करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, मकसद ख़त्म हो जाता है। क्योंकि चारा करवाते हैं हल्का हल्का लू फूट रही हो, अंधेरा हो, मछली जब आप गोले फेंक देते हो, जब वो दिन चढ़ता है तो वो आगे राउंड के लिए निकलती है, तो जैसे ही आप राउंड पे निकलती है आपको चारा उसे बाइट मिलना शुरू हो जाती है आगे से, और उसे वो खाना शुरू हो जाती है वहाँ से, और वहाँ से खा के आपके चारे को आगे निकलती है। फिर 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसका जो है भूख ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो फिर वो वापस उसी जगह पे आती है जहाँ पे आपने चारा करवाया होता है। तो इसलिए चारा जब आप भी जाएं तो टाइम से जाएं ताकि आपको अच्छी बाइट मिले, और जो एफर्ट है वो आप ही ज़्यादा हो। ये भी कास्ट करके आ गए हैं भाई, तो भाई भी आपको बता रहे थे कि आगे ये किस तरह की सूरत हाल है। अब उधर भी जाते लेकिन उधर शार्ट है, टाइम बहुत कम है मेरे पास, उधर भी जाते आपके लिए वीडियो बनाते, लेकिन आपको मैं यहाँ से ही रश दिखा देता हूँ अपने मोबाइल के ज़रिए, जूम करता हूँ। ये देखें जी कितनी रश लगी हुई है, ये बच्चा पार्क है, बच्चा पार्क में बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम, तो कोई सूरत हाल नहीं है। तो आप आना चाहते हो फैमिली के साथ आना चाहते हो इस तरफ तो आए, सो वेलकम, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर खूबसूरत व्यू है, बैठने के लिए ये जगह है, बच्चों को खिलाने के लिए जगह है। ये देख रहे हैं फुटबॉल वगैरह खेल सकते हो, रैकेट्स खेल सकते हो आप, समझ लें कि पार्क सी बनी हुई है छोटी, लेकिन अगर सफाई की जाए इसकी तो बहुत अच्छी चीज़ है। बेंच वेंच लगा दिए जाएं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जगह पर ज़रा छोटे से अगर झूले शूले लगा दिए जाएँ, जब पानी उतरता है तो ऐसे होंगे झूले लगे हों, बच्चे भी आ जाएँ, फिशिंग का शौक़ भी पूरा हो जाए, गैदरिंग भी हो जाए, आउटिंग भी हो जाए इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों की। पार्क बने हुए हैं, वो सामने पार्क है,
लेक व्यू, जूम करता हूँ मैं आपके लिए, ये सामने लेक व्यू है, ये लेक व्यू है पार्क। तो रावल डैम की अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको, आज के दिन जुमेरात का दिन है, कोई ख़ास सूरत हाल नहीं देखी मैंने, जितने शिकारी हैं उन्होंने जाली बेच दी है घर, एक जाली मैंने दिखाई है आपको, इन्होंने संगाड़ा लगा हुआ है इनको, तो वहाँ से एक पार्टी मेरे सामने उठ के छह राड लगाए हुए थे, उनके पास भी सुनने में आया कि वो था कछु घुमा था, कोई अच्छी बाइट नहीं थी उनके पास भी। तो ये राड में चाल हो रही है भाई को, तो ये बच्चा ही तंग कर रहा है, ये हर तरफ गारा ही गारा है, कीचड़ है। तो कोशिश ये करें कि अगर आप खेलना है शिकार तो पुरसकून, संगाड़ा भी अच्छा हो गया, रोहू भी अच्छा हो गया, मैं नारायण अभी तक नहीं देखी किसी को अच्छे साइज में लगी ना। संडे को लगी है, अच्छा जी, नारायण का साइज अभी किलो ही है, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी तीन पाव किलो ये बच ये साइज था, तो अभी अच्छा, क्योंकि अभी रोहू बच गया हुआ है जाल पट्टी से, और नारायण क्या बता आगे लगना शुरू हो जाए, अभी फिलहाल तो कोई नहीं लगी नारायण शरायण इधर, एक ही लगी है कह रहे हैं, पिछले संडे हमारे साथ वाली पार्टी को एक लगी थी, किलो एक थी, लेकिन जो रोहू है रावल डैम का वो अच्छे साइज का हुआ है लगने का, जिसको पहली दफ़ा गेम होगी और अच्छी गेम हुई तो वो बड़ा मज़ा करेगा, उसको वो गेम यादगार होगा उसके लिए, लेकिन अभी रावल डैम की उस तरह की गेम स्टार्ट नहीं हुई चारे वाली, अच्छा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, कम से कम मेरा ख्याल है जो वो हफ्ते दो हफ्ते की बात है, धूप तेज़ हो जाएगी और गर्मी तेज़ पड़ेगी, जड़ी बूटी ख़त्म होगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये पानी जब गर्म होगा हीट अब पकड़ेगा तो ये बूटी की जो गर्माइश की वजह से जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, जब जड़ें कमज़ोर होंगी तो वो ऊपर आ जाएगी और साथ किनारे पे लग जाएगी, कुछ किनारे पे लग जाएगी, कुछ वैसे ही गल सड़ जाएगी, कुछ मछलियाँ खा जाएंगी। तो अब मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और रावल डैम की अपडेट, और फर्दर जो हम जाएंगे तरबेला, इस दफ़ा मैंने माइंड बनाया हुआ कि तरबेला जाऊँगा, तरबेला गेम करूँगा, खेलूँगा, और वहाँ से जो रास्ते जाते हैं पॉइंट, खजूर वाला पॉइंट है या बोर्ड वाला पॉइंट है या वो एक नाला है साजिद का नाला, उसके बारे में भी आपको सारे पॉइंट में बताऊंगा, जब जब जाएंगे वहाँ पे भी गेम स्टार्ट हो जाती है, तकरीबन मई में स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल के एंड पे और मई के शुरू में स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि गेम स्टार्ट हो गया तरबेला, तो आपको वो भी अपडेट दिया करेंगे हम आपको, और पॉइंट और रास्ते भी बताएंगे। अभी होप आपको ये रास्ता पता चल गया है, इसका क्या नाम है, दरबार वाली साइड का, आगे भी आपको मज़ीद अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं पता तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको वो पॉइंट बताऊं, आपको दिखाऊं कि कौन सा पॉइंट था। तो दुआओं में याद रखिएगा, आपका होस्ट विकी बाबू, आपको रावल डैम की अपडेट दे चुका हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़। ये जी खूबसूरत व्यू, बाइक कास्टिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा यार आप कास्टिंग करने जा रहे हो तो मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, ये देख रहे हैं कैसा खूबसूरत मंज़र है, भाई जा रहे हैं कास्टिंग करने, देखिएगा कितनी दूर कास्टिंग करके आते हैं, ये सूरत हाल है रावल डैम की, घुटने घुटनों से आगे चला गया है ये पानी में, ये चेक करें ये चीज़ इन्होंने कास्टिंग कर दी है जी, कास्टिंग करके आ रहे हैं, ये आखिरी वीडियो है मेरी जी, इसके बाद मैं वीडियो स्किप करता हूँ और घर को जाते हैं, थोड़ी सी टाइम घर वालों को देते हैं। अभी ठीक है टेम्परेचर, अच्छा
अच्छा अच्छा भाई से मैंने पूछा था कि सुबह क्या सूरत हाल थी टेम्परेचर की, पानी की। पानी का उस वक्त कह रहे थे ठंडा था, ठंडा पानी हो तो तब रहू, क्योंकि अब रावल डैम में ज़्यादा रहू है और संगाड़ा है। संगाड़ा तो फिर भी लग जाता है ठंडे पानी में, लेकिन जो रहू है वो नहीं लगता, वो ज़रा कन्नी करता कतराता है। तो टेम्परेचर भी बहुत मैटर रखता है रहू के लिए। अभी उस तरह की गर्मी नहीं पड़ रही, रावल डैम पानी उस तरह का गर्म नहीं हो रहा। पिछले संडे जो गेम हुई है वो इसी वजह से हुई है, संगाड़े ज़्यादा लगे हैं, रोहू इक्का दुक्का बाइट मिली है। तो ये भी सूरत हाल है रावल डैम की। अभी पानी क्योंकि रातें ठंडी हैं, दिन गर्म है, तो जब लास्ट डे बारिश भी हुई है तो पानी ठंडा था, इस वजह से गेम डिस्टर्ब हुई है। अब नेक्स्ट जो फर्दर जुमा और हफ्ता इतवार आने वाला है, इसमें कोई सूरत हाल निकलेगी अच्छी, कोई क्योंकि आज सूरज काफ़ी तेज़ था, गर्मी थी, तो आगे आने वाले दिनों में गेम होने का चांस है। देखें जी भाई की राड चल पड़ा है यार, बहुत तेज़ी से गरारी चल रही है, पर ये चली क्यों है ये भी बताता हूँ मैं आपको। वो पेचा उधर पड़ गया है भाई के साथ, वो क्रॉसिंग हुई है तो आपस में पेचा पड़ गया इनका। बार दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब रश ज़्यादा होती है एक दूसरे के साथ, डोरें एक दूसरे के ऊपर गिर जाती हैं, और वो उधर से पौधा तड़वा लो नहीं तो आपका ज़ाया हो जाएगा। अच्छा ये सूरत हाल है, चाचू भी थक गए हैं, इन्होंने क्लोजिंग कर दी हुई है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है जी इधर। वो चलते हैं अभी घर जाते हैं, फिर घर जा के कोई सूरत हाल देखते हैं। रावल डैम की तो कोई सूरत हाल नहीं है कुछ, अब घर जाते हैं कुछ रेस्ट वगैरह मारते हैं। रावल डैम की अपडेट दे चुका हूँ मैं जी। भाईजान ये देख रहे हैं, ये गंद इन्होंने इधर, गंद नहीं कह सकते, ये इन्होंने जो खाई चीज़ें खाई हैं या चारा इस्तेमाल किया, रैपर बचे हैं ये भाईजान ने उठाए हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने इनको कहा कि यार मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं उन तक अच्छा इम्पैक्ट जाए और अच्छी सोच हो। ना डाले इधर, क्योंकि ये हमारे लिए, ये हम इधर तफरीह करने आते हैं, मछली पकड़ने आते हैं, ये हमारे लिए बेहतर है। हम जितनी सफाई रखेंगे हमारा डैम जो है वो साफ रहेगा, ठीक है। कोशिश करें कि इधर आएँ आप, ठीक है, मछली पकड़ें, पर जो आप चीज़ें इधर इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की, चापी रहोगे और चीज़ें होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप जिनसे अपना घन जिनसे वो साथ लेके जाएं और बाई डस्टबिन में डालें। और हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए, जब डस्टबिन लगे होने चाहिए, क्योंकि लोग जो है जो गंद है वो डस्टबिन में डाल के जाएँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी दी आपने, बहुत अच्छा मशवरा दिया शिकारियों को, और ख़ास कर जो डैम की इंतज़ामिया है, बस खाऊ प्रोग्राम और कोई इंतज़ामिया यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा जी। ये देखें अपनी मदद आपके तहत भाई ने सफाई खुद की है, और ये मशवरा भी दे रहे हैं कि यार पीछे ये कितना अच्छा व्यू है, अगर गैदरिंग करने चाहते हो, कोई फैमिली आना चाहती है, पीछे बैठे यहाँ पे अपना पार्क का इससे दिया जाए एक। सबसे नज़दीक तरीन एरिया ये भाई कह रहे हैं, सबसे नज़दीक तरीन एरिया यही है पिंडी इस्लामाबाद का तफरीह करने के लिए, तो इधर पीछे डस्टबिन लगा दी जाए ताकि जो कचरा है वगैरह या कोई आते ही हैं फ्लाई काम के लिए आते हैं वो खुद से करके आग लगा दें। तो अगर कोई मेरे साथ अटैच होना चाहता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं अपना वीडियो में दे देता हूँ, एफर्ट खुद करनी पड़ेगी हमें ताकि इसकी जो गंदगी है ये ख़त्म की जाए और रावल डैम को वही दोबारा से जो पहले था इसका इमेज वही से दोबारा दिया जाए, बहाल किया जाए। तो व्हाट्सअप नंबर मैं वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो कोई भाई मेरे साथ कोई एफर्ट करना चाहता है, इस गंदगी के साथ कोई हाथोपाई करना चाहता है, तो मेरे साथ ज़रूर रब्ता करें ताकि हम मिल मिला के इसको ख़त्म करें यार, खूबसूरती को बहाल करें। ये इस्लामाबाद की खूबसूरती है, ये देखें पहाड़, जब कोई आउटसाइडर आता है यहाँ पे तो देखता है तो ये क्या, हमारे इम्पैक्ट अच्छा नहीं जा रहा, खूबसूरत नहीं जा रहा। तो कोशिश करेंगे यार, जो आप आते हो शिकार के लिए, खाना खाया है या चापर आए हैं आपके साथ या कोई और चीज़ आपने की है तो वो साथ लेके जाएं, उधर ही ख़त्म कर दें या आग लगा दें या साथ ले जाएँ, जैसे इन भाइयों ने किया, बहुत अच्छा मुझे लगा, हम खुद भी ऐसा करते हैं।
तो ये भाई अब क्लोज कर चुके हैं, तो दुआ में याद रखिएगा आपका होस्ट विकी बाबू होम आइडियाज़ के साथ।